नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दिल्ली सरकार जहां बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन दिल्ली की असलियत तो कुछ और ही है। फिलहाल मैं मौजूद हूं सीतापुरी इलाके में, और जहां मेरे पीछे इतनी ज़्यादा गंदगी है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा इस गंदगी को दिखाएं। पीछे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लग रहा है दिल्ली सरकार ने पिछले कई सालों से यहाँ कोई काम ही नहीं किया है। और यहाँ पे जानवर, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ के जानवरों को दिखाएं, जानवर यहाँ पे खुले आम प्लास्टिक की पन्नियाँ चबा रहे हैं, और ये पन्नियाँ ही इनके मौत का कारण बनती है। यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मेरा खड़ा होना भी मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है यहाँ पे, और यहाँ के आसपास के लोगों का तो जीना बेहाल होगा। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ के लोग यहाँ पे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सर, आप यहाँ पे ऑटो चालक हैं और आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं? यहाँ पे डेली रहता हूँ। आपको यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गंदगी और बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही है। तो ज्यादा रहता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहता है, बैठना हम लोग को दुश्वार हो जाता है। सवारी लोग आते हैं, जब बदबू देख करके हट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये गंदगी कितने दिनों से है या कितने सालों से है? ये गंदगी तो कम से कम नहीं तो 6-7 साल से है। अच्छा, 6-7 साल से यहाँ सफाई हो ही नहीं रही है? सफाई होती है, लेकिन फिर उसी तरह होता है। जब ऊपर से आते हैं कोई अफसर लोग तो फिर सफाई हो जाता है, नहीं तो फिर उसी तरह। अच्छा, मतलब यहाँ अफसर आते हैं होती है तब सफाई, नहीं आते हैं तो फिर तो वही बुरा हाल हो जाता है। फिर इसी तरह बुरा हाल रहता है। जी जी जी। और तो यही है कि इस सब पे ध्यान दिया जाए थोड़ा, और जो भी हैं वार्ड काउंसिलर हैं चाहे जो भी अफसर हैं, इस चीज को सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लोग रहते हैं, मोहल्ला है। अच्छा, यहाँ पे पहले कोई दीवार खड़ी थी क्या? पहले यहाँ पे दीवार थी। अच्छा। लेकिन नाली सफाई करने के लिए दीवार तोड़ दी है, उसके बाद दोबारा दीवार बना नहीं। किन लोगों ने यहाँ का दीवार तोड़ा? वो तो ये तो MCD वाले आए थे, वही सफाई करवाए थे उन्हीं लोग के। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, यहाँ की MCD वालों ने यहाँ का दीवार तोड़ दिया जी। पहले यहाँ पे कूड़ेदान भी था, कूड़ेदान को भी है क्या कि वाटर बोर्ड वाले तोड़े, लेकिन वो पैसे मिला कूड़ेदान बनाने के लिए, लेकिन कूड़ेदान नहीं बना। अच्छा, यहाँ पहले कूड़ेदान भी था, लेकिन अब वो कूड़ेदान भी हटा दिया गया है। जी जी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। सर, आप यहाँ पे कितने वर्षों से अपनी ये दुकान लगा रहे हैं? 2007 से आप अपनी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये गंदगी कितने सालों से है? ये गंदगी तो वो करीब 3 साल से। ये गंदगी यहाँ पे 3 साल से है, तो यहाँ पे आपको गंदगी से कोई दिक्कत नहीं होती है इस गंदगी से? वो तो करता, लेकिन मजबूरन क्या करे, जब ध्यान दे अफसर लोग तब ना। अच्छा, यहाँ पे कोई आता नहीं है, सफाई नहीं होती है? नहीं, यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती, या कभी कभी आते हैं कर्मचारी सफाई करने? कभी कभी कर्मचारी आते हैं, साफ करते हैं, फिर होते फिर नाला डलवा देते। अच्छा, मतलब आप यहाँ मजबूरन, आपकी मजबूरी है यहाँ पे दुकान लगाना? जी हाँ। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है, यहाँ गंदगी तो है ही, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप कितनी बुरी तरह फटी हुई है। यहाँ पे लगातार पाइप प्रेशर के साथ बाहर आ रही है, और बात सिर्फ यही तक की नहीं है। बगल में आप देख सकते हैं, मेरे बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लगा है कि 50,000 जुर्माना लगेगा यहाँ कूड़ा फेंकने पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नज़ारा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सफाई हो। और हैरान कर देने वाला मामला तो ये है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो MCD आती है, जो इस सफाई का जिम्मा लेती है और यहाँ पे सफाई कराती है, उसका दफ्तर जस्ट बगल में नाले से सटे हुए MCD का दफ्तर है। और आप देख सकते हैं इस दफ्तर के अंदर MCD की एक गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन बगल का माहौल तो कुछ और ही है। गंदगी इतना ज़्यादा है कि इन अफसरों को साथ दिख नहीं रहा, अपने बगल की ही गंदगी। और नेताओं की तो मैं क्या ही बात करूं, जो अपने घर में AC के कमरे में बंद हैं, शायद उन्हें तो क्या ही दिखेगा जब बगल के MCD के दफ्तर के लोगों को ही नहीं दिख रही है गंदगी। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनकी राय। सर, आप इस रास्ते से कितने सालों से गुजर रहे हो? या मैं तो बहुत सालों से गुजर रहा हूँ यहाँ पे। और ये गंदगी कितने सालों से आपको यहाँ दिख रही है? मैंने तो बहुत सालों से देखी है, बहुत बदबू भी आती है यहाँ से निकलते जाते हुए। अच्छा, ये बहुत दिनों से, आप कितने सालों से देख रहे हो इसको? कम से कम हो गए 20 साल तो हो ही गया। जहाँ आप देख सकते हैं इस नाले से सटे ही एक दुकान है, और आपको यहाँ पे ये गंदगी कितने सालों से दिख रही है? बहुत दिन से, क्या दीवार तोड़ दिया। दीवार तोड़ दिया? कितने दीवार तोड़ दिया? ये तोड़ दिया, MCD वाला जो है ये तोड़ दिया। तो आपने पूछा नहीं आप दीवार यहाँ क्यों तोड़ रहे हैं? हम बोले भला नहीं, दीवार बनेगा। अच्छा, दीवार बनेगा मगर बनाया। अच्छा, यहाँ पे सफाई नहीं होती है, कर्मचारी नहीं आते हैं? आता है, मगर है सब नाला को कहाँ देखता है, नाले में। तो आपने किसी से कंप्लेन नहीं किया, किसी से बोला नहीं कि यहाँ पे ऐसा सफाई? क्यों कंप्लेन करेंगे भैया, मेरे को क्या बस किया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे? आप यहाँ पे होता तो मेरे से कौन लड़ेंगे? अच्छा, जो मतलब सरकारी कर्मचारी आते हैं आपसे लड़ते हैं? हाँ, वो भी है, वो सब जब कटता है नाला मारपीट करते हैं आपके साथ? हाँ। आप पे हाथ भी उठाया उन्होंने?
देखिए जहाँ के ये दुकानदार कह रहे हैं, नाले से सटे हुए दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा कंप्लेन किया लेकिन एमसीडी के लोग उन पर हाथ तक उठा देते हैं और ये लाचार अब अपना हाथ पीछे ले चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे खड़े ऑटो वाले भैया को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर आपको गंदगी से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भाई ये गंदगी ना बहुत बेकार चीज़ है, मेरे को यहाँ से मास्क लगाने में बहुत तकलीफ होती है, गंदगी जल्द से जल्द हटवाई जाए। यहाँ पे ये गंदगी आप कितने सालों से देख रहे हैं? मैं यहाँ से कम 2-3 सालों से गंदगी को देख रहा हूँ। लेकिन ये गंदगी कभी साफ नहीं होती है? गंदगी कभी साफ नहीं होती है, इसको साफ किया जाए बढ़िया रहेगा। अच्छा, जहाँ पे इन ऑटो वाले भैया का कहना है कि ये गंदगी कभी साफ ही नहीं हो रही है, पिछले कई सालों से ये ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इसको साफ करवाए। क्या आपको लगता है कि आपके कहने से सरकार इसको साफ कर देगी? हाँ हाँ करेगी, क्यों नहीं, हम वोट देते हैं। आइए चलते हैं बगल में खड़े एक और ऑटो वाले भैया के पास। भैया ये आप यहाँ पे कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 16 साल हो गए जी हमें। और ये गंदगी आप यहाँ पे कितने सालों से देख रहे हैं? ये तो सर बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से आप ये गंदगी देख रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ही रहती है या इससे भी बुरा हाल होता है? अब तो ये बन गया, नहीं तो पहले तो कच्चा था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था यहाँ पे। भैया का कहना है यहाँ तो अभी ये हाल है, इससे भी बुरा हाल था पहले। जहाँ आपने देखा कि आसपास की जनता कह रही है कि इस गंदगी से उनका बुरा हाल हो गया है और अगर वो आवाज़ उठाती है तो उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। बगल में एमसीडी का दफ्तर तो है लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की आँख कब खुलती है और यहाँ पे सफाई होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार।